हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश स्कूल। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो। तो मैं ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, उनको कैसे फिक्स कर सकते हो। वो तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ डेली, क्योंकि मैं कोई हेयर स्टाइल ज़्यादा नहीं बनाती, मैं कॉलेज चली जाती हूँ एक जूड़ा सा बनाकर। सो मैं कैसे फ़िक्स करती हूँ अपने छोटे छोटे बेबी हेयर्स को, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बन बना लीजिए दीजिए ताकि मैं आपको बताऊँ कि फिर कैसे फ़िक्स करना है। सो एज यू कैन सी, मैंने जो है बन बना लिया है। लिटरली गाइस, मैं हर रोज़ यही बनाती हूँ। बहुत कम मैं हेयर स्टाइल या कोई हेयर स्टाइल या चोटी बनाती हूँ। मुझे 1.5 साल हो गए कॉलेज जाते हुए, बट मैं सेम हेयर स्टाइल ही ये फॉलो करती हूँ। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे फिक्स करना है। सो व्हाट आई बेसिकली डू, मैं सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करती हूँ, आई थिंक सब यूज़ करते हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है ये वैसलीन। मैं इस वैसलीन का यूज़ करती हूँ अपने बेबी हेयर्स को सेटल डाउन करने के लिए। तो मैं करती क्या हूँ, वैसलीन को अपने हैंड्स पे अप्लाई करके, जहाँ जहाँ जो बेबी हेयर्स है मेरे जिनको मुझे फिक्स करना है, मैं उनके ऊपर इसे इस तरह से अप्लाई कर देती हूँ। सो इससे क्या होता है, बेबी हेयर्स जो है चिपक जाते हैं आपके बालों के साथ, लाइक छोटे छोटे। मैं अब हर बेबी हेयर के ऊपर नहीं जाती, जो मुझे थोड़े बॉदर करते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं खड़े, उनके उन पे लगाती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा आगे पूरे हेयर्स मेरे बेबी हेयर्स ही हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। एंड वन मोर थिंग, मैं और क्या कर लेती हूँ, थोड़ा सा नारियल तेल लेकर हैंड में सेम प्रोसेस को मैं ऐसे रिपीट कर लेती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो बेबी हेयर्स है वो कितने अच्छे से सेटल डाउन हो गए। एंड आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे वीडियो क्यों बना रही हूँ इतना हिलते हिलते, क्योंकि गाइस अभी मैं सीरियसली कॉलेज के लिए रेडी हो रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास कॉलेज के लिए निकलने के लिए। सो इस तरह से आप, मतलब आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो और उसमें अगर आपके बेबी हेयर्स निकल आते हैं, तो आप इस तरह से अपने बेबी हेयर्स को फिक्स कर सकते हो वैसलीन की मदद से। सो अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कॉमेंट करके बताना मुझे कि आपको और कौन सी वीडियो देखनी है। एंड आई नो इट्स हैज़ बीन अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया है, बट नो वरीज, ओके। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो यार। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।